और भाई क्या कर रहा है? मैं वो कर रहा हूँ जिसका रोल इंजीनियरिंग में बस उतना होता है जितना लॉजिक का पोर्न मूवी में। मतलब असाइनमेंट लिख रहा हूँ, असाइनमेंट। भाई ये सब सोच, चल मूवी देखने जाते हैं। कौन सी? मिशन मंगल, अक्षय कुमार की मूवी आई है, बड़ी सही है। नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी हमारे यहाँ की कोई मूवी। हमारे यहाँ असल जिंदगी में होता कुछ और है और ये लोग दिखाते कुछ और है। क्यों, ऐसा क्या दिखा दिया तुझे? भाई मैंने ना एक मूवी देखी जिसमें कॉलेज कैंपस में लड़कियां नाच रही है। एक तरफ कोई फुटबॉल खेल रहा है तो दूसरी तरफ कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। एक तरफ लड़का लड़की चुमा चाटी करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ किसी लड़के का चूतिया कट रहा है। मतलब कॉलेज में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब हो रहा है। ये देखकर मैंने सोचा कि कॉलेज में तो मज़े ही मज़े होंगे, लेकिन यहाँ आके लोड़े लगे लोड़े। कॉलेज के दूसरे ही हफ्ते 40-40 पेज के 5 असाइनमेंट दे दिए। हाँ मैं समझता हूँ तेरी बात, पर ये मूवी ऐसी नहीं है। इसमें इंडिया के मंगल मिशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया था। नहीं पहले मुझे बता, इसरो ने ऐसा किया क्या था? ये जो हमारा इसरो है ना, इसरो, इसने जो मंगलयान होता है ना, मंगलयान, उसको मंगल पे भेजा था। हाँ पर कैसे? चल मैं तेरे को बताता हूँ। देख ये जो मंगल और पृथ्वी है ना, दोनों अलग अलग रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो कभी कभी वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो कभी कभी एकदम नज़दीक आ जाते हैं। तो सबसे पहले उस टाइम का वेट करना पड़ता है और ये टाइम 26 महीनों में एक बार आता है। और अगर आप ये मौका चूक जाते हो तो आपको 26 महीने तक वेट करना पड़ता है। और सुन, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अगर हमें मंगल पर भेजना हो ना, तो सबसे पहले उसे हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें एक पावरफुल रॉकेट चाहिए होता है। इसरो ने मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट से मंगल तक भेजा था, लेकिन पता है उसमें प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, ये जो हमारा PSLV C-25 रॉकेट है ना, वो सिर्फ 1300 kg तक के मास को ही पृथ्वी से बाहर भेज सकता है, मतलब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मंगलयान का मास 1337 kg था, तो इसरो ने पहले मंगलयान को पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजा, जहां वो अपने आप ही पृथ्वी के आजू बाजू ऐसे ही मुफ्त में घूमने लगा बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए। हाँ चल, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बारी थी ऑर्बिट को बड़ा करने की, क्योंकि उसकी ऑर्बिट जितनी बड़ी होगी मंगलयान की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उस ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए इसरो ने 5 बार उसके इंजन को स्टार्ट किया। जब 5वीं बार उसके इंजन को स्टार्ट किया, तब उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी हो चुकी थी। और फिर जब आखिरी बार इंजन स्टार्ट किया, तब वो मंगल की ओर रवाना हो गया और उसके बाद उसे अपना फ्यूल इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर करीब 300 दिनों का सफ़र तय करके वो 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल की ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। और पहुंचते ही मेवन ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। अब ये मेवन कौन है? मेवन यूँ समझ कि वो नासा का मंगलयान था जिसे उन्होंने वहाँ के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए भेजा था। और तुझे पता है, नासा ने मेवन पे $642 मिलियन खर्च किए थे और मंगलयान को सिर्फ $74 मिलियन में मंगल पर भेज दिया गया। देखा कितना सस्ता था ये मिशन। ओ भाई, अगर इसरो वालों ने हमारे ज्योतिष को सिर्फ 500 रुपये दिए होते ना, तो भी वो मंगल के साथ साथ पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की दिशा बदल देता। लेकिन ये बता, मंगलयान ने वहाँ जाकर किया क्या? वहाँ के एटमॉस्फेयर की स्टडी की और हमें बताया कि वहाँ मीथेन मौजूद है। मीथेन? पक्का वहाँ के एलियन बासी बिरयानी खा के कुछ ज़्यादा ही पाद मारते होंगे, तभी मीथेन इतना ज़्यादा है।